तलो, हमारी मिक्स वेज बनकर तैयार है। पनीर, ब्रोकली, बीन्स, गाजर। कितना क्यूट है। चलिए, हमारी तो चिकन करी बनकर तैयार है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से रूपाली जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 11 बज चुके हैं और मैं अभी खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में दोस्तों आज पनीर ब्रोकली की सब्जी है, जिसके लिए मैंने आलू और ब्रोकली, गाजर, बीन्स, मटर व गार्लिक और प्याज काट कर रख दिया था पहले ही। अब बना लेते हैं। कड़े में तो तेल है ही, जिसमें मैं जीरा और सूखी मिर्च डालूंगी। जीरा डाल दिया, अब सूखी मिर्च भी मैं डाल रही हूँ। आज थर्सडे है और आज 7 तारीख है दोस्तों, आपके सब कैसे हैं बताइएगा जरूर। और दीदी भाई हमारी आज फिश डिपार्टमेंट पे है, बाजार से फिश लाई है और उसे धो रही है। आलू को थोड़ा सॉफ्ट करने के बाद फिर मैं इसमें गार्लिक भी डालूंगी। आलू तो फ्राई हो गए, अब मैं इसमें थोड़ा सा प्याज भी डाल देती हूँ और गार्लिक जो मैंने काट के रखे थे और थोड़ा सा प्याज। मैंने इसमें थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा गार्लिक मिलाया है। ब्रोकली डाल रही हूँ मैं इसमें। अब ब्रोकली के साथ ही मैं गाजर और बीन्स भी डाल दूंगी, क्योंकि ये तो सारी सब्जियां सीने आंच में पक जाएंगी। हरा रंग, लाल रंग, पीला रंग, कलर बहुत सुंदर आता है, सफेद रंग। अब जो दूसरी सब्जियां इंतजार कर रही थी, बहुत देर से इन्हें भी डाल दिया मैंने, मटर। इसमें मैं अब नमक डाल रही हूँ, जिससे ये पानी छूटे और ये अपने पानी में ही पके। और कलर के लिए थोड़ा सा आज मैं हल्दी भी दूंगी, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब इसे इसके पानी में थोड़ी देर मैं पकने देती हूँ। एक चम्मच घी भी डाल रही हूँ, बस एक चम्मच। चलिए मैंने इसे ढक दिया, अब 2-3 मिनट तो ये अपने पानी में ही पक जाए। दोस्तों 2-3 मिनट तो हो चुके हैं, मैं अपनी सब्जी को भी देख लेती हूँ। थोड़ा पानी से ये उसका पानी भी छूटा है और कितना ये सुंदर हो रहा है। अभी भी पकना बाकी है, लेकिन मैं इसमें थोड़े मसाले और डाल रही हूँ। ये है ब्लैक पेपर व काली मिर्च, क्योंकि तीखेपन के लिए थोड़ा सा शेजवान सॉस भी दे रही हूँ। इसके आलू तो बॉईल हो चुके हैं, बस बीन्स और ब्रोकली थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। हमारी ब्रोकली की सब्जी बनकर अब तैयार है। पनीर देना तो मैं भूल ही गई, तल कर रखा। और इसमें धनिया पत्ती, चलो हमारी मिक्स वेज बनकर तैयार है। पनीर, ब्रोकली, बीन्स, गाजर से बनी हुई सब्जी। 1:30 बजे और ये लटक रहे हैं। बाहर का वेदर भी अचानक खराब हो गया है, आसमान में बादल छा गए हैं और ये बंदा अपने काम में बिजी है। घंटे को लेकर ही कुछ ना घंटाराम करामती करता रहता है। 3:30 भी शायद नहीं बजे हैं, मैंने अभी घड़ी नहीं देखी, एक मिनट। हाँ 3:38, दोपहर के 3:38 बज चुके हैं और इन्होंने उड़ान भर ली और एक बंदा निकलने की कोशिश कर रहे है, तो अंदर इनकी लड़ाई चल रही है। टेडी तो निकल कर ही रहेगा।
चलो इन्हें भी खेलने देते हैं थोड़ी देर, ये भी खेल ले। मैं पढ़ा रही हूँ और टेडी आ गया यहाँ पर खाने के लिए उड़कर। बैठोगे? हाँ कितना क्यूट है। अब चुन्नू भी आ रहा है शायद, सोच सकती हूँ मैं। और मुन्नू तो ऊपर उड़ान ही भरा जा रहा है, नीचे उतर गया। ये फिर खाकर ऊपर भागा, देखी। मैं नीचे बैठी तो ये बंदे भी नीचे उतर कर आ गए। और शाम के 6 बज चुके हैं, अब रात का खाना बन रहा है। दीदी भाई को शौक चला सिलवटे में मसाले पीसने का, पीस रही है। मिर्च की इतनी स्मेल आ रही है, नाक फाक बंद हो रहा है। एक जस्ट चला देती हूँ अगर ये मसाले की खुशबू खत्म हो तो। यहाँ पर मैं प्याज का बेरिस्ता बना लेती हूँ। थोड़ा सा घी भी दे देती हूँ, थोड़ा सा घी दिया है मैंने। चलिए एक और चिकन रेसिपी आसान प्रोसेस में बना लेते हैं। इसके बाद मैं अदरक मिर्च और लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल रही हूँ चिकन के साथ ही, वो भी पक जाए और चिकन के अंदर इसका फ्लेवर भी चला जाए। बेरस्ता तो बन चुका है, अब मैंने इसे ढक दिया है, ये सीमे आंच में पके, 10 मिनट बाद आकर देखूंगी। ये चिकन तो बनने वाले हैं, अब इसमें थोड़े से हटके मसाले डाल देते हैं। थोड़ा गरम मसाला, बिरयानी मसाला, थोड़ा ब्लैक पेपर व काली मिर्च। थोड़ी देर फिर से ढक देते हैं। दही है, दही में थोड़ा सा मैं नमक ऐसा और बिरयानी मसाला, ब्लैक पेपर, और कश्मीरी लाल मिर्च। इसे इसमें मिला रहे हैं। थोड़ा सा बेरिस्ता डालकर देखिए तेल कितना सुंदर छूटा है इसका।
इसका खुशबू भी अच्छी आई है, एकदम बिरयानी जैसी। बट बिरयानी नहीं है, इसे हम रोटी के साथ ही लेंगे। फिर इस तरह से सजा रही हूँ। चलिए, हमारी तो चिकन करी बनकर तैयार है विद बिरयानी मसाला से। आई होप दोस्तों आज का व्लॉग भी आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कल फिर नए व्लॉग के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, सेफ रहे, स्वस्थ रहे। गुड नाइट दोस्तों।